वेलकम बैक एवरीवन ब्लॉग बर्ड्स। ये देखिए अभी सुबह का वक्त है और हम लोग हैं सेकंड क्लास वेटिंग हॉल में। ज़्यादा तेज नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग सो रहे हैं क्योंकि हमारे पीछे। फिर यहाँ से हमें निकलना है हॉस्पिटल मेरे चेकअप के लिए। ये देखिए इस तरफ में टॉयलेट और यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं। हालांकि इस वेटिंग हॉल के आगे में लिखा हुआ है जेंट्स के लिए, बट लेडीज़ वाला कहीं पे भी नहीं है, तो इसलिए जेंट्स लेडीज़ सारे यहीं पे हैं। ये देखिए अभी अभी हम लोग यहाँ से निकले, ये था स्लीपर क्लास वेटिंग रूम जेंट्स का, बट यहीं पे दोनों लोग हैं, मतलब लेडीज़ भी और जेंट्स भी। और यहाँ पे है देखिए फर्स्ट क्लास का वेटिंग हॉल लेडीज़ का, बट ये लॉक है। और उस तरफ में भी है डॉर्मेट्री, बट मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कुछ व्यवस्था है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है अभी भी। टाइम देखिए 4:49 हो रहा है अभी। ये एग्जिट गेट है, ये देखिए अभी तक हमने ब्रश भी नहीं किया है, बस घूम रहे हैं इधर से उधर। और वो वेटिंग हॉल में ना बिल्कुल भी ब्रश करने का मन नहीं किया। अब हम लोग स्टेशन से निकल चुके हैं और ये देखिए सुबह का माहौल कुछ इस तरीके का है कटक का। गेस्ट हाउस कई सारे हैं स्टेशन के आसपास ही। अभी ये देखिए हम लोग हॉस्पिटल पहुंच तो गए हैं SCB, इसका हालत थोड़ा नाजुक है। यहाँ इतनी भीड़ किस बात की? ओ अच्छा, लोग यहाँ पलती मार के लेटे हैं। मुझे समझ नहीं आता ये लोग साफ सफाई क्यों नहीं रखते हैं। देखिए किस तरीके का है पूरा परिसर, फुटपाथ पे ही मरीज सोया हुआ है, दीवारों पे काई लगी हुई है। और इस तरफ में तो स्टेशनों में मैंने इतना भीड़ नहीं देखा जितना यहाँ देख रहा हूँ। डस्टबिन से बाहर निकला हुआ है कूड़ा। लोग अभी सुबह सुबह मुंह धो रहे हैं इधर ही बैठ के। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो ये तो तय है कि डॉक्टर्स अच्छे होंगे, लेकिन ये जिस हाल में है ना वो देख के ही मतलब डर लग जा रहा है पूरा पूरा। बाप रे, रूम के अंदर ये हालत है। अभी ये देखिए रात का वक्त है, सुबह से बहुत ज्यादा भागा दौड़ी रहा, हम लोग गए भी दिखाने के लिए। और दिखाने के बाद हम लोग जिस डॉक्टर के पास पहुंचे थे वो डॉक्टर साहब बड़े पहुंचे हुए खिलाड़ी निकले। उन्होंने सिर्फ एंडोस्कोपी और लिपिड प्रोफाइल इतना ही नहीं कहा, उन्होंने बोला कि सारा चीज चेक होगा, मतलब मेरा शुगर लेवल कितना है, वो तो शायद लिपिड प्रोफाइल में ही आ जाता। लेकिन हम समझ नहीं पाए कि पेट का जो गैस है उसमें शुगर का क्या काम है। और भी दुनिया भर का टेस्ट था, मतलब पूरा एकदम लिस्ट है पूरा टेस्ट का। फैटी लिवर, फिर नहीं और... फैटी लिवर वो तो ठीक है, नहीं कुछ चलो... कुछ ठीक है जैसे, हाँ, जैसे एंडोस्कोपी ये मुझे सही लगा। फिर और भी बहुत सारा टेस्ट वहाँ पे लिखा, मैंने हमको इतना याद भी नहीं है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम शायद 40-45 तरीके का टेस्ट था, जबकि उन्होंने दबा के देखा और फिर मतलब उनके हाव भाव से मैं समझ गया कि उनको पता चल गया कि कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक डॉक्टर को दिखा चुका था जमशेदपुर में ही, तो उन्होंने भी हाथ वाथ दे के देखा था। वहाँ पे दो डॉक्टर को मैंने दिखाया था और उन लोगों का यही चीज़ कहना था कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ गैस हुआ है, क्योंकि सिम्टम्स उन्होंने पूछा कि क्या क्या लग रहा है। और मुझे भी खुद ये चीज़ लग रहा है अब, और अब तो इनफैक्ट मुझे गैस का, मैंने आज सुबह से दवाई नहीं खाया है, अब मुझे मतलब उस चीज़ का भी तकलीफ नहीं है, बस पानी वानी पी रहा हूँ उसी से पूरा बराबर लग रहा है। और अभी देखिए हम लोग थोड़ा घूमने के लिए निकले हैं क्योंकि हमारी ट्रेन बहुत लेट है, उत्कल एक्सप्रेस जो एज यूजुअल हमेशा ही रहती है लेट। किसी तरह से हम लोग यही पास में एक रूम लिए हैं। ये देखिए इस तरीके का माहौल है कुछ अभी रात का। ये देखिए हम लोगों ने इतना पानी पिया और ये है कुछ इस तरीके का रूम। इसी रूम में हम लोग थे और इसके बाद अभी निकल रहे हैं। ये बोतल पुराना है, क्यों ऐसा लग रहा है? अभी पता नहीं। ये बोल रहे हैं कि ये जो पानी बोतल यहाँ पे दिया गया है उसका पैसा ले। हम बोले पुराना बोतल सर उसका क्या पैसा लगा? मैं कंफर्म नहीं, पता नहीं, देखते हैं जो भी है। बट अभी तो हमें निकलना है, स्टेशन जाएंगे और इसके बाद ट्रेन पकड़ेंगे। धूप थोड़ा सा कमा है इसलिए अभी निकल जाएंगे, वरना यहाँ का धूप ना झेलने लायक नहीं है। तो फिलहाल
इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मैं बहुत ही जल्द आपसे मिलूंगा एक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप देखते रहिए ब्लॉग बर्ड्स, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।